उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी वीडियो में चिकन कॉर्न सूप बनाने जा रहे हैं। सर्दियों में कॉर्न सूप या कोई भी सूप सब घरों में बनता है, बहुत शौक से पिया जाता है। मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने एक ब्रेस्ट लेके उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने कॉर्न लिया है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पूनस हैं, जिन कॉर्नस को मैंने ब्लेंड कर लिया है, उनकी क्रीम बना ली है, और 2 से 3 टेबल स्पूनस हैं जो मैंने साबुत रखे हैं। ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा, 5 से 6 कप तकरीबन चिकन स्टॉक के ले लेंगे। 2 टेबल स्पून सिरके के हैं, 2 टेबल स्पून सोया सॉस के हैं, 2 टेबल स्पून चिली सॉस के हैं, 2 टेबल स्पूनस ही हॉट सॉस के हैं, 5 से 6 टेबल स्पूनस कॉर्न स्टार्च के हैं, 1 छोटी गाजर मैंने लेकर कद्दूकस कर ली है, क्योंकि सूप में कलरफुल से कलर्स आए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च है, लहसुन की पेस्ट ले ली है मैंने 1 टेबल स्पून, 3 अंडे ले लिए हैं, बंद गोभी आपके टेस्ट के मुताबिक, हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो ठीक है, कई बच्चों को हरी मिर्ची पसंद नहीं होती, वो लोग नहीं डालते, आप अपनी मर्ज़ी से ओमेट भी कर सकते हैं। अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पूनस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हमारा लहसुन हो चुका है, हम अपना चिकन शामिल करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारा चिकन हो चुका है, अब हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड करते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें तमाम सॉसेस डाल देंगे। इसमें मैं हॉट सॉस डाल रही हूँ, सिरका, चिली सॉस, और ये जो मैंने कॉर्न्स की क्रीम बनाई थी वो भी डाल देंगे ब्लेंड करके। ये तमाम स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम अपनी इसमें गाजर भी शामिल कर देंगे, साथ ही हम इसमें हरी मिर्च, बंद गोभी, और सिट्टे भी शामिल कर देंगे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा सूप बॉईल होना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें अपना कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। कॉर्न स्टार्च को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, स्लो स्लो इसको अब डालेंगे। इसको 2 से 3 उबाले आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम अपने अंडे शामिल करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा सूप गाढ़ा हो चुका है, जितना मुझे गाढ़ा करना था उतना, ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अंडे अपने शामिल करूँगी, इसको डालते हुए मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो उसके बाद इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, अब मैं इस वक्त इसमें चम्मच मारे, अंडे देखें आपके बिल्कुल टूटे नहीं हैं, इनको थोड़े से भरे रखने के लिए हमें थोड़ा सा पकाना पड़ता है। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, तब तक हमारे अंडे पक जाएंगे, फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं।
जी फ्रेंड्स, हम अपने सूप अपना सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।